हूँ दयाल। हाँ तुम आ गए। हाँ। मैं तुम्हारी हीरा देख रहा था। तुम्हारी चिट्ठी मिलते ही मैं फौरन चला आया, लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। आओ ये देखो, गरीब के घर में दो दो बेटियां, बताओ मैं इनका पालन पोषण कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया था, एक बच्ची को तुम ले लो। और तुम तो जानते हो त्याल भैया, मकान गिरवी पड़ा है और इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में इन बच्चों का पालन पोषण मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मनमोहन इतनी जल्दी भी क्या है, देर सवेर होने से हम मोह माया के जाल में ना फंस जाए, इसलिए। सुनो दयाल, ये बात तुम तक ही रह जाए, वरना हम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह जाएंगे। तुम चिंता मत करो मनमोहन, मुझ पर भरोसा रखो। मशीन शॉप में आती है, इसकी खराबी हमारी समझ नहीं आई। अच्छा किया तुमने हमें बुला लिया, हम अभी ठीक किए देते हैं। स्विच ऑफ करो। कर दिया मालिक। ऑन करो स्विच। फिर क्यों बुलाया?
अरे हम तो हार नहीं मशीन की शिकायत कर चाहते हैं। मशीन की शिकायत? वो क्यों? कल अनजाना माँ हमार हाथ लगवा ऐसा झटका लगा, ऐसा झटका लगा कि पूछो मत नहीं। हा 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 हा। अरे बुद्धू झटका नहीं शॉक लगा होगा। शॉक? हम तो कहना शॉक वॉक नहीं झटका लगा झटका। अच्छा तुम्हें झटका अच्छा लगता है तो झटका ही कह लो, लेकिन अब नहीं लगेगा, हम उसको आज ही ठीक करके आए हैं। चलो तुम्हारी मशीन से दोस्ती करो। तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओ ढोल सजना, ढोल जानी मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओ ढोल सजना, ढोल जानी मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। सुननी है कितनी ही बातें, कहनी है सुननी है कितनी ही बातें। थोड़े से दिन है ये थोड़ी सी रातें, ओ ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो गुजर जाए यूं ही जवानी ओ ढोल सजना, ढोल जानी मेरी गली आ तेरी मेहरबानी। जल्दी लेकिन ऐसे नहीं। तो कैसे? अरे तुझे तो बहन बाजी के साथ ले जाएंगे अपनी दुल्हन बनाकर। तो हमका घर वाले से काहे नहीं मिलवा थो? घर में है कौन? माँ 12 वर्ष पहले पिताजी के अत्याचार के कारण मुझे लेकर इस गांव में चली आई है। तब से मेरा पिताजी से संबंध भी हमेशा के लिए टूट गया। अब तो मेरे लिए सब कुछ तू ही है मेरी रानी। सच? अरे अब तो हम तुम्हारे पिताजी के पास खुद जाएंगे अपने ब्याह की बात करने।
राजा बाबू, राजा बाबू। आया मालिक। प्राण बाबू आप? नमस्कार, बहुत दिनों में दर्शन दिए आपने, बैठिए, मैं अभी राजबाबू को बुला के लाता हूँ। उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं जी, इस वक्त वो बड़े अच्छे काम में मशगूल है। प्राण बहादुर और यहाँ बरसों बाद हम पर ये इनायत कैसे? बस देख लो, तुम तो कभी बंबई आते नहीं, हमने सोचा हम खुद ही जाकर खबर ले आए। तुम और हमारी खबर वो तो ऐसे या वैसे तुम तक पहुंच ही जाती होगी। हाँ, खबर तो पहुंच जाती, लेकिन जो सुना था उसे आंखों से देखने की तमन्ना थी, सो देख लिया। आपने देख लिया, हम भी सुने, क्या देख लिया? यही कि हमारा चचेरा भाई किसी को दिल दे बैठा है। अल्लाह हाथ बढ़ाओ इसी बात पर। ये लो। लेकिन क्या चाचा जी इस रिश्ते को मंजूर करेंगे? क्या किया जाए, उन्हें तो बाप और बेटे का रिश्ता भी मंजूर नहीं। तुम ठीक कहते हो, बाप बेटे की अनबन तो हमें भी पसंद नहीं, लेकिन कुल की मान मर्यादा भी तो कोई चीज है। सो तुम ही बताओ, उसके लिए तुम क्या कम हो? कर छोड़ो इस झगड़े को, ये मसला तो चाचा जी का है, वो खुद ही से हल कर लेंगे। हम तो तुम्हें मुबारकबाद देने आए थे, कबूल हो? कबूल किया। अब ये बताओ कि चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, शरबत पियोगे, पानी? सूरज ढलने के बाद हम इन चीजों को नहीं पीते। कुल की मान मर्यादा के लिए एक घूंट और। में तो अनेकों रूप बदले जाते हैं लक्ष्मी रानी, तुहार प्यार में हम तुहार भाषा सीख लिए, तुहार पहरावा भी पहन लिए। हमका ये सब तो सपना लगत है राजा बाबू, पर ये पहरावा में तुम बहुत नीक लगत हो। नीक जानत नहीं? भले भले भले। अरे हम भले लगत है, तब तो हमारी किस्मत चमक गई। पानी पीवा का? पिएंगे, पहले हमें कुछ खाने को तो दो, कड़क भूख लगी है। हाय दैया, यहाँ तो हाल आए, ये बकत कहाँ मिली? कुछ भी दियो हम खाई ले। कहाँ दे दे, अभी तक हमार दाल तक तो गलत नहीं। दाल तो गलल है, तुमको खबर नहीं? नहीं राजा बाबू, गलल नहीं, तुहार कसम नहीं गलल, देखो। अच्छा तो लो, अब मूली खा ले। खाना तो दिया नहीं, तनिक नमक तो दे दे उठ के। हो लो। तुम अपने हाथ से छिड़क दो? नहीं, अपने हाथ से डाल लो। तुम अपने हाथ से डाल दियो, तुहार कसम मूली मीठी हो जाए केले की तरह। हमरा कलाई छोड़ दो, मसक गए तो। मसक? हाँ, लचक लचक लचक। अपन मसल दे, तनिक दूर हो, हमरा के शरम लगल है। अरे हमसे शरम काहे की? लक्ष्मी, गुस्से की कोनो बात नहीं दयाल बाबू, हम लक्ष्मी से विवाह करे को चाहते हैं। विवाह? ये विवाह नहीं हो सकत है। काहे नहीं हो सकत? क्या हम लक्ष्मी के योग्य नहीं? विवाह बराबर वालों के संग होत है राज बाबू, हम धरती पर रह के आकाश छूने की बात नहीं सोच सकते। यह का कहत है, प्रेम बंधन में कौन धरती कौन आकाश? ये विचार बड़े लोगन के हो सकत है, गरीबन के नहीं। आप समाज को ठुकराए सकत है, हम नहीं ठुकराए सकत है। हमार पूंजी तो हमार मान मर्यादा है। लेकिन दयाल बाबू, आप जा सकते हैं। लक्ष्मी चल जा। Thank you.
करते हमरे खातिर तुमके बहुत दुख पहुंचल है। दुख तो हमारे कारण तुम्हें पहुंचल है लक्ष्मी। नहीं राजा बाबू, तू हमरा के कभी दुख नहीं दिए हो। लेकिन ऐसे आंधी और तूफान में तुम यहाँ कैसे आई, और अगर कोई देख लेता तो? हमरा के कोनो बात का डर नहीं। तुहके छोड़ के हम संसार लेके का करी, बस तुहार प्यार तुहार सहारा चाहिए। तुम तो खुद हमारी जिंदगी का सहारा हो लक्ष्मी, लेकिन तुहार बापू? राजा बाबू, लड़की बाबुल का घर का दिन और तुहार हमार तो जन्म जन्म का साथ है। तू ही हमार जिंदगी हो, तू ही हमार जिंदगी हो। लक्ष्मी, अगर तुम राजी हो, अगर तुम राजी हो तो हमारा विवाह बंधन कौन रोक सकते हैं? राजा बाबू, कौन रोक सकता है लक्ष्मी? राजा बाबू, राजा बाबू, शादी नहीं करूंगी माँ। बाबा के गले में कर्ज का फंदा डाल के मैं फूलों का हार नहीं पहन सकती। पगली, शुभ अवसर पर ऐसी बातें मुंह पर नहीं लाते। राधा, राधा, क्या बड़े बाबू ने पैसे दिए? नहीं नहीं, तुम चिंता ना करो, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया। इतने रुपए आपको कहाँ से मिले बाबा? 3000 रुपए तो इधर उधर से जमा किए थे बेटी, और बाकी 7000। बाकी 7000 हमारी तिजोरी से। श्री मनमोहन, बरसों का विश्वास पल भर में खो दिया, तुमने चोरी की। चोरी? नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरे बाबा चोरी नहीं कर सकते। बाबा, बाबा आप कहते क्यों नहीं कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है? नहीं बेटा, ये सच। बाबा मुझ पर दया कीजिए, मालिक कन्यादान हो जाने दीजिए, मैं किसी न किसी तरह से आपका रुपया वापस लौटा दूंगा। इतनी बड़ी रकम तुम कहां से लौटाओगे? तुम्हारा घर तक तो हमारे पास गिरवी पड़ा हुआ है। बाबा, रुपए लौटा दीजिए। लीजिए सेठ जी। बड़े बाबू, मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारी लाज बचा लीजिए, वरना हम कहीं के ना रहेंगे। तुम्हारी बेटी की जिंदगी आबाद करने के लिए हम अपना रुपया बर्बाद नहीं कर सकते। मालिक, मालिक, बस बहुत हो चुका, कल से काम पर आने की जरूरत नहीं। ये लीजिए 3000 रुपए। मैं पूरी रकम का इंतजाम तो नहीं कर सका, मगर वायदा करता हूं कि जल्द से जल्द भिजवा दूंगा। कहां से भिजवा दोगे? चोरी करके? अगर पूरे 10000 नहीं दे सकते तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। ऐसा ना कहिए नंदलाल भाई, ऐसा ना कहिए। बारात वापस लौट गई तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझ पे नहीं तो मेरी बेटी पे दया कीजिए, मैं आपके पैर फटता हूँ। चोरों से नाता जोड़कर हम जेल जाना नहीं चाहते? अच्छा हुआ शादी से पहले तुम्हारी पोल खुल गई, वरना हम भी चोर कहलाते। बेईमान, धोखेबाज कहीं के। नंदलाल जी, जबान संभाल के बोलिए, किसी की बेवसी पर कीचड़ उछालना भले आदमियों का काम नहीं। तुम हमें बुरा भला कहने वाले कौन होते? इतनी हमदर्दी है तो खुद शादी कर लो, मेरा बेटा 10000 में भी सस्ता। मुमकिन है आपका बेटा 10 लाख में भी सस्ता हो, लेकिन आप में रत्ती भर भी शराफत नहीं। आप निकल जाइए यहाँ से। निकल जाइए, आओ बेटा, चलो। तुम कौन हो बेटा? मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो आपके दुख को अपना समझता है। मैं आपकी बेटी के योग्य तो नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा परिचय? मैं आप ही की बिरादरी का हूं, बनारस निवासी स्वर्गीय श्री देवेंद्र शर्मा का बेटा जीवानंद शर्मा। भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुमने मेरी राज रख ली है बेटा। ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र करे। अरे ललिता की मां, ललिता की मां ललिता को भेजो, शुभ समय निकला चला जा रहा है। पंडित जी,
आयोजन की तैयारी कीजिए। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? क्षमा कीजिएगा मनमोहन बाबू, आपके शुभ कार्य में वादा डालने चला आया। देखिए तो आप इसे पहचानते हैं? अरे अरे अरे, ये तो वही है, न जाने कहाँ चला गया, आज फिर चकमा देकर भाग निकला। मगर आप इसे ढूंढ क्यों रहे? ये जानकर आप क्या कीजिएगा, ये बताइए आपके यहाँ से कुछ ले तो नहीं गया? सभी कुछ तो ले गया है इंस्पेक्टर साहब। बैठा है, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, धर्म में मान मान मर्यादा सब बैठा ही है। बाबा धीरज रखिए, मेरे बाद अपनी माँ का ख्याल रखना। नहीं ऐसा मत भूलिए, ऐसा मत भूलिए। और ये कभी मत भूलना, ये कभी मत भूलना कि दुनिया में गरीब का कौन है बाबा, कि दुनिया में गरीब का। बाबा बाबा, मैं आपकी बात कभी नहीं भूलूंगी, और गरीबी के कलंक को मिटा कर ही रहूंगी। ललिता जी वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया, दर्शक आपका नाच देखकर खुशी से पागल हो रहे हैं। मैनेजर साहब, ये सब आपकी आशीर्वाद है। नहीं नहीं, ये आपकी अपनी तपस्या और मेहनत का फल है। आप तो सब कुछ जानते हैं, पिताजी की मौत के बाद हमारी क्या हालत थी, अगर आप हमारी मदद ना करते तो ये नाम शोहरत इज्जत मुझे कहाँ से मिलती। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो आपके पिताजी का है। आप ठीक कहते हैं, अब मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। 11, 5, 16, 16 से 22। किसने मुझे पुकारा सर? कौन है भाई, कहां से बोल रहा है? कोई तो नहीं है। अरे बुद्धू की तरह क्या बकबक कर रहा है, हमने बुलाया। बिल्कुल ठीक किया सर, आप मेरे मालिक हैं, मुझे तनख्वाह देते हैं, आप नहीं बुलाएंगे तो कौन बुलाएगा? क्या हुक्म है सर? हम एक जरूरी काम से बंबई जा रहे हैं। जरूर जाइए, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, तुम यहीं रहोगे और हमारी गैर हाजिरी में यहाँ की सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। वाह 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 वाह, कितने बुलंद ख्याल है, कितने उत्तम विचार है। लेकिन हिसाब किताब ठीक रखना। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं हिसाब बिल्कुल साफ रखूंगा। हाँ 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 हाँ, मुझे मालूम है मालूम, तभी तो ये तुम्हारा तोंद बढ़ती जा रही है। सर ये तो चिंता से बढ़ती जाती है, जितनी मैं हिसाब की चिंता करता हूँ ना उतनी ही बढ़ती। बस बस बकवास बंद करो, और ये लो तिजोरी की चाबी, संभाल के रखना, खोना नहीं। सर मैंने अपना बचपन खो दिया, जवानी खो दी, खुद को खो सकता हूँ, आपको खो सकता हूँ। अरे रे रे रे, नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपनी नौकरी खो सकता हूँ लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं खो सकता। ठीक है ठीक है, हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कभी हो नहीं सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। प्राण जी, राम जी, तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तुम्हारा कोई बात नहीं,
तुमने जो कुछ भी कहा है झूठ है, गलत है। हम मानने के लिए तैयार नहीं। राज मेरा बेटा है, वो एक रास्ते की भिखारी से शादी नहीं कर सकता। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये आप मुझसे ज्यादा जानते। आज 12 बरस से उसने इस घर में कदम नहीं रखा, फिर भी वो मेरा बेटा है, इस घर का चिराग। शोला कहिए, वो खानदान की नाक कटवा रहा है, आप उसे घर का चिराग कहते हैं? प्राण, बड़े घर का खोटा पैसा भी अशर्फी होता है। सुनो, मैंने जिंदगी में कभी किसी से हार नहीं मानी है और न मानूंगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस भिखारिन के जाल से जैसे भी हो राज को निकालना होगा। पैसा क्या नहीं करवा सकता? तुम्हारा मतलब? चांदी की चमक देखकर एक गरीब औरत क्या नहीं कर सकती। आप राज को किसी बहाने से यहां बुला लीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। तुम शायद ठीक कह रहे हो। सुनो, पैसे की परवाह ना करो, 1-2 लाख जितना भी खर्च हो दूंगा, और अगर तुम कामयाब रहे तो तुम्हारा इनाम 10 लाख। ए लक्ष्मी, तुम्हार मुन रो रो तुम्हारा गुड़िया खराब कर देता, लो संभालो इसे। खाली रुला था मुन्ने को, बाप हो तनिक खेलो इसके साथ, खाली रुला था, खाली रुला था। बापू जी रुलावट है अरे अभी हंसत रहे, अब परेशान का दिखाई देते हो लक्ष्मी। हम एक उलझन में फंस गए हैं जो तुम्हें सुलझा सकत हो। उलझन? कौन उलझन? तुम तो जानत हो कि बाबूजी हमें बंबई बुलाए हैं, लेकिन हम जात नहीं चाहत। हाय दैया, का नहीं जाइबो, इतने दिन बाद बाबूजी बुलावत है और नहीं जाइबो। फिर तुम भी हमारे संग चलो। नहीं, बुलोवा अकेले कहे अकेले ही जाओ। पर लक्ष्मी, अब हम अकेले नहीं, तुम हो, अपना मुन्ना तो है। हमसे का कहत हो, अपने बाबूजी से कहो, देखो। चलो बताओ कि तुम्हार खातर हम बंबई से का तोहफा लाए। भेलपुरी तिखी और खट्टी, और पापड़ बड़ी, वो बहुत तिखे, और आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार। तुम इतनी जल्दी फिर से ये खट्टा तीखा नाम सब काहे मांगो? तो खैरियत तो है। राज, 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 राज बेटा, बेटा, कहिए कैसे हैं आप? अब ठीक हूँ। 12 साल के बाद तुम इस घर में लौटे। 12 बरस के बाद लौटा जरूर हूँ, लेकिन घर नहीं। क्या मतलब? क्या ये तुम्हारा घर नहीं? इतनी बड़ी इमारत, कीमती साजो सामान, आपके लिए घर हो सकता है, मेरे लिए किसी जेल खाने से कम नहीं। मेरा दम घुटता है यहाँ। ये क्यों? इस घर में किस बात की कमी है? धन दौलत सभी कुछ तो है। धन दौलत की कमी इस घर में नहीं, लेकिन कमी है तो सिर्फ लक्ष्मी की, मेरी माँ की, जिसे 12 बरस पहले आपके बर्ताव ने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो अब तक तुम अपने माँ को नहीं भूले? जिंदगी भर नहीं भूल सकता पिताजी, वो मेरी माँ ही नहीं थी, मेरी मित्र भी थी। और मैं भी तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बेटा, मैंने तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें यहां बुलाया है और सरदारिन की बेटी के साथ तुम्हारी शादी तय की है। शादी तो मेरी हो चुकी है पिताजी, और एक बच्चे का बाप भी बन चुका हूं। ओह, तो ये सच है कि तुमने एक आवारा भिखारिन से शादी की है? पिताजी, अगर आप मेरी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी आपको नहीं। अधिकार? तुम मुझे अधिकार देने वाले कौन होते हो? सुनो, ये मेरा हुक्म है कि तुम्हें सरदारिन की बेटी से शादी करनी हो। हुक्म देने का रिश्ता तो आज से 12 बरस पहले आप तोड़ चुके पिताजी। तो कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी वसीयत में एक फूटी कौड़ी भी तुम्हारे लिए नहीं रखी। ये वादा रहे, धमकी नहीं। अगर धमकी हुई तो मुझे अफसोस होगा, और आपकी जायदाद आपको मुबारक हो पिताजी।
हमारी ये आखिरी मुलाकात है। राज, राज के पिता ने आपकी बेटी को अपने घर की बहू मानने से इनकार कर दिया और राज अपनी पत्नी का ये अपमान बर्दाश्त न कर सका। इस बात पर बाप बेटे में बहुत झगड़ा हुआ और राज अपने बाप की जागीर ठुकराकर चला आया। लेकिन लेकिन क्या बाबूजी? क्या बताऊं चौधरी साहब, इस परेशानी की हालत में राज वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसकी मोटर का एक्सीडेंट हो गया। मुझे सख्त चोट आई और कहा हम सबको छोड़कर राज हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। बाबूजी, बाबूजी एक कैसी खबर लाए हो आप? क्या करता चौधरी साहब, मरते वक्त भी राज को आखिर लोगों की हिफाजत का ख्याल था और उसका ये डर ठीक निकला। बेटे की मौत की खबर सुनकर राज के पिताजी गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने राज की बीवी और बच्चे को खत्म करने का हुक्म दे दिया है। बाबूजी अब तुम ही बतावा हम क्या करें। मेरी राय में तुम दोनों फौरन इस बच्चे को लेकर ये गांव छोड़कर कहीं चले जाओ। हाँ, ये ठीक बात है। लेकिन जाओगे कहाँ? कहाँ जाए? कहाँ जाए? मुन्ने की नानी के घर चले जाओ। बस तो फौरन चले जाओ, लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं चले। नहीं नहीं, अच्छा तो मैं चलता। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद। मालिक, मालिक सर्वनाश हो गया, मालिक सर्वनाश हो गया, बड़े सरकार का देहांत हो गया। अब तो आप बंबई चलिए, बंबई चलिए सरकार, मैं आपको लेने आया हूं। लेकिन सरकार, बड़े मालिक का वसीयतनामा भी पढ़ा नहीं गया, आपका वहां मौजूद रहना बहुत जरूरी है सरकार। बड़े मालिक ने जो कुछ भी कहा था गुस्से में कहा था और फिर मैं भी तो वहां मौजूद था, मैंने भी सुना था, मैंने भी अपनी आंखों से देखा था, मगर गुस्से में कही गई बात फैसला नहीं होती सरकार। जिसका जिगर ही लुट गया हो मुनीम जी, वो जागीर लेकर क्या करेगा। मेरी मानिए तो आप बंबई लौट जाइए और जो मुनासिब हो कीजिए। बेटा होने के नाते मैं पिताजी का अंतिम क्रियाक्रम यहीं कर लूंगा और मेरा ये फैसला गुस्से में नहीं है मुनीम जी। नमस्कार पंडित जी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है, उनका अंतिम क्रिया करना चाहता हूँ। क्या बात है पंडित जी, क्या देख रहे हैं आप? आपने मुझे पहचाना नहीं पंडित जी? पंडित जी, देख रहा हूँ राज बहादुर तो जिंदा है और मेरे सामने खड़ा है। क्या मतलब पंडित जी? आज से 4 साल पहले न जाने शहर से कौन एक बाबू आया था और उसने आपकी मौत की खबर फैला दी। ये खबर आपकी लक्ष्मी बर्दाश्त करती भी तो कहां तक, और अंत में एक दिन लक्ष्मी ये गांव छोड़कर अपने बच्चे को लेकर न जाने कहां चली गई। ये आप कैसे कह रहे हैं पंडित जी? ये मेरी आंखों देखी बात है, मेरी आंखों देखी। पंडित जी की आंखों देखी बात, शहर का
बाबू, और मैं 4 बरस से ढूंढ रहा हूं। दिन पर जाने सेहत मुबारक हो छोटे सरकार। छोटे सरकार नहीं, बड़े सरकार का। कल चाचा का वसीयतनामा पढ़े जाने वाला है। इस हवेली के साथ ही साथ उनकी सारी जायदाद का मालिक भी मैं बनूंगा। अगर राज यहाँ पहुंच गया अपना हक मांगने, तो हक मांगा नहीं जाता, लिया जाता। और ये हक मैं ले चुका हूँ। किसी भी चीज को लेकर वापस लेना अपनी आदत नहीं। Carry on, friends, carry on. ये अचानक यहां कैसे आ पहुंचा, कुछ समझ में नहीं आया। तुम और बाबा यहीं ठहरो, बाकी सबको लेकर तुम जाओ। मैं पूछता हूं, इस घर का मालिक कौन है? आप हैं सरकार। तो फिर ये प्राण यहां कैसे राज कर रहा है? बड़े सरकार की आंख बंद होते ही ये हवेली के मालिक बन बैठे हैं और अपनी मनमानी करते हैं। और तुम क्या करते हो? एक नौकर खिदमत के सिवा और क्या कर सकता है सरकार? तुम यहां के नौकर ही नहीं, यहां के मुनीम भी हो। खैर, जा सकते हो। जी। आराम की नींद सुला दिया ना? 24 घंटे के लिए। यानी कल जब वसीयतनामा पढ़ा जाएगा तो हजरत मौजूद ना होंगे? एग्जैक्टली। फिर उसके बाद वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर ये महफिल जमी रहे? जरूर जमी रहे दोस्तों। और एक दौर हमारी तरफ से भी। मामी चाहता हूँ, अब मेरे आने से महफिल ठंडी पड़ गई थी। इजाजत दीजिए, अब मैं इसे गर्म भी कर दूं। बरसों की तौबा को तोड़कर उड़ा लेता हूँ सावन में कभी यारों के कहने से। तुम और ये अंदाज ताज्जुब है। ताज्जुब नहीं, क्यों, आज तक भी थी, इस पर ताज्जुब है। ये मौका आंखें छलकाने का नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है, जाम छलकने दो। टू माय डियर प्राण, हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आपके पिताजी की वसीयत के मुताबिक उनकी तमाम अस्तावर जायदाद और माल और असबाब के आप अकेले वारिस हैं। सिर्फ 10 लाख रुपया नक आपके चचेरे भाई प्राण बहादुर को दिए गए हैं। 10 लाख रुपए चचेरे भाई प्राण बहादुर? 10 लाख रुपए? मुनीम जी, ये सुलाने वाले खुद सो रहे हैं, इन्हें जरा जगा देना। बेचारे का बाप तो पहले ही भगवान को प्यारा हो चुका था, अब ऐसा लगता है
सच भगन माँ ने भी आत्महत्या कर ली। भाभी ये बुरी खबर 4 साल तक सीने में दबा कर रखी थी मैंने, 4 साल तक, लेकिन अब बूढ़ा हो गया, न जाने कब प्राण निकल जाए, इसीलिए मुन्ने को लेकर तुम्हारे पास आ गया था। तुम्हारी चीज है, तुम्हें संभालो, अपनी अमानत को। एक दिन तुम्हारे आंख का आंसू लेकर गया था, आज मोती लौटा रहा। क्या बात है मैनेजर साहब? आपका टेलीग्राम आया। टेलीग्राम? देखो। सब ठीक है ना? माँ का टेलीग्राम है, उन्होंने बुलाया है। मैनेजर साहब जितनी जल्द हो सके मेरे जाने का प्रबंध कर दीजिए। लेकिन आपके प्रोग्रामों का क्या होगा? प्रोग्राम करते करते मैं थक गई हूँ। मैनेजर साहब अब मुझे पैसों की नहीं शांति की जरूरत है, और जब माँ ने बुलाया है तो कोई जरूरी काम होगा, प्लीज आज नहीं तो कल। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी। पिछली बार जब हम पिताजी से मिलने आए थे तो प्राण बाबू कहाँ थे? वो यहाँ नहीं थे सरकार। क्या ये मुमकिन है कि वो उस वक्त हमारे गांव गए हों? हो सकता है, मगर मैं ठीक से नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, उन दिनों वो अक्सर कुर्ग आया जाया करते थे। कुर्ग? खैर, वो साहब बहादुर इस वक्त क्या कर रहे हैं? आप तो देख ही चुके हैं सरकार, और आजकल तो उनकी हर शाम किसी होटल या क्लब में ही गुजरती। होटल या क्लब में? 10 लाख रुपए को उड़ाने का इससे अच्छा तरीका हो भी क्या सकता है? हमसे तो हसीना ये न कहना, बच के रहना हमसे, देखेगा हम एक बार, तुम्हें हो जाए हमसे प्यार, तुम्हें हो जाए हमसे प्यार। है ये रात है, शर्मीली आंखों वाली, हाँ रात है ये काली, ऐसी काली रातों में कहीं भूल से, यूं ही बातों बातों में कहीं भूल से, तुमसे हो जाए आंखें चार, तुम्हें हो जाए हमसे प्यार, तुम्हें हो जाए हमसे प्यार। दिल का लेना देना हमने छोड़ा, वादा तोड़ा हमने, सुन ले सभी दिलदार, नहीं करते किसी से हम प्यार, नहीं करते किसी से हम प्यार। मंजूर है तेरा दिल है क्या दीवाना, ना बाद में पछताना, करना होता प्यार तो बता देते हम, फिर कोई आंखों से जला देते।
लो हसीना ये न कहना बचे रहना हमसे देख जो हम एक बार तुम्हें हो जाए हमसे प्यार तुम्हें हो जाए हमसे प्यार तो आओ लो आ गए मेरी आंखों में समाओ समा गए मेरे सामने तो आओ मेरी आंखों में समाओ जाके अब दिखाओ तो मान जाए हम आंखें अब चुराओ तो मान जाए हम देखा देखा अजी सरकार तुम्हें हो गया हमसे प्यार नहीं करते किसी से हम हो गया हमसे प्यार बाहर फेंक दो इसे आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले जिंदगी के गम इंसान से क्या नहीं करवाते अब तुम भी शराब पीकर गिरने पड़ने लगे चलो पड़े रहो राज बहादुर तुम्हारा चचेरा भाई शायद आज भी आपका जन्मदिन होगा है ना रोज नहीं जन्मदिन नहीं 10 लाख रुपए जो आपने पिताजी के मारे आखिर वो आएंगे भी और किस काम कमाल है 10 लाख बाप दे गया और हिसाब बेटा मांग रहा है अब तुम्हें उससे क्या लेना देना कुछ नहीं लेकिन वो कौन सा कारनामा आपने किया था जिसकी कीमत 10 लाख रुपए लगाई गई होगी ये सवाल जरा टेढ़ा है इसका जवाब जानने के लिए तो चचा मरहूम के पास जाना पड़ेगा ऊपर और अगर मैं तुमसे इस वक्त और यहीं पूछूं तो खून खराबा हो जाए ये तो मैं भी कर सकता हूं लेकिन अभी नहीं रात तो गुजर गई ना भी चुकाओगे तो चलेगा खैर ये बताइए इस वक्त चाय में चीनी कितनी पीनी एक चम्मच या दो डेढ़ चम्मच कल रात आप ना मिलते तो अपन तो किसी फुटपाथ पर पड़े सो रहे होते और उसके बाद अजी होता क्या ये आपकी कीमती घड़ी और ये जेब का बटुआ किसी और के पास होता और आप फुटपाथ के बजाय किसी खराती अस्पताल में पड़े होते हाँ दुनिया में पैसे के लिए क्या नहीं होता जान भी ली जाती है दुनिया में पैसे की इतनी अहमियत तो आपकी नजर में पैसा कितनी अहमियत रखता है जितनी जरूरत हो जैसे चाय में चीनी हाँ अगर आपको कहीं से 10 लाख रुपए मिल जाएं तो आप उसे फेंक देंगे नहीं
आदमी उतना ही खाता है जितनी उसे भूख होती, बाकी बांट देता है। हाँ, अगर कोई आदमी बुरा हो तो फेंक देता है। वंडरफुल, आप तो बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना। काम क्या करते हो? फिलहाल तो काम की तलाश है। हमारे साथ काम करोगे? क्यों नहीं, अगर काम ईमानदारी का होगा जरूर। हमारा काम तो ईमानदारी का होगा, फिलहाल तो ये रुपए रखो। हाँ लो, सफर की तैयारी करो, काम के लिए कुर्ग हमारे साथ चलना होगा। आपका नाम पूछना तो भूल ही गया जी। मुझे राजन कहते हैं, बस ये समझ लीजिए यही सारा पता मेरा, यही नाम और निशान मेरा। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मुझे राज बहादुर कहते हैं। आज से कुछ दिन पहले मेरी जिंदगी चराग की तरह रोशन थी, लेकिन एक दिन मालूम हुआ कि आग भी उन घरों को लगती है जिन घरों में चराग जलते। लेकिन राज बहादुर, आग के डर से मर्द चिराग गुल नहीं कर दिया करते। आदर से चलो। शाबाश सुन्नी, तूने आज मेरी इज्जत रखी। वेरी गुड, चलिए। अरे अरे, ये तो बेड़ा गर्क हो गया मेरी इज्जत का। गाड़ी बंद हो गई, फिर धक्का मारिए प्लीज। राजू, मारिए मारिए, जरूर करिए। मैंने आपको दोबारा तकलीफ दी, मारिए जरूर, धक्का मारिए। शाबाश, बहुत है, हरे आप। आज पैदल जाना पड़ा। मामा, तुम्हें कैसे मालूम? देखकर आ रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी की हालत। क्या देख क्या रहे हो? तुम्हारे खटारे का कह रहा हो, जो कि एक लीडर की तरह 20 सड़क चुपचाप खड़ी है और चारों तरफ लॉरियां और गाड़ियां पाव पाव का नारा लगा रही। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरी कार का क्या होगा? वो कार है या बेकार है? बेकार तो मैं भी हूँ मामा। छोकरियों के चक्कर में रहेगा तो बेकार ही रहे। नहीं मामा, मुझे छोकरी से ही नौकरी मिलेगी। वो कैसे? देखो मामा, अगर नौकरी अच्छी हो तो छोकरी अच्छी मिलती है ना? मिलती है, जरूर मिलती है। अगर छोकरी अच्छी हो तो अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? धन्य हो गुरु, महागुरु, तुम्हारी दलील का जवाब नहीं। तुम छोकरी के चक्कर में लग रहे हो, मैं नौकरी के चक्कर में कुर्क जा रहा हूँ। ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं छोकरी को लेकर पीछे पीछे आते हूँ। हाँ, जयराम जी। जल्दी करो, भागो। ओह नो, हेल्प हेल्प, फिर वही गाड़ी, इसे कौन धक्का देगा? वो दिन गए बुलबुल, अभी हवा से बात करती है, उड़ती है। चलो कम ऑन, उड़ो, आओ जल्दी करो, हरी अप, सिट इन माय फोर्ड, कम ऑन जल्दी करो। शाबाश, वेरी गुड। अब बस तू ये ना, तुम के लिए गाड़ी तैयार है। वेरी गुड, तुम्हारा पैसा भी तैयार है, ये लो। ओके ओके, बुलबुल अब देखो मेरी गाड़ी की स्पीड। देखा बुलबुल, मेरी गाड़ी क्या भागती है? तुम बोलती हो खटारा है, हवा से बातें कर रही है। एक मिनट बस। एक, तुम क्या करता है? हमारे गाड़ी के पीछे मत भागो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए बस। हाँ, कोई बात बात नहीं, गाड़ी के पीछे मत भागो, तो मर जाएगा, थक जाएगा। राजू, हाँ? राजू, तुम्हारी गाड़ी घड़ियाल टट्टू की तरह वहीं खड़ी है। कहाँ खड़ी है? गाड़ी का मीटर देखो, ये तो उड़ रही है। तुम्हारा सर उड़ रहा है। अरे सर कहाँ, तुम और मैं, हम दोनों उड़ रहे हैं। बॉस, जैक पीछे लगा है, खाली व्हील उड़ता है, व्हील व्हील। जैक? यस। कौन है ये जैक का बच्चा? हमारे पीछे क्यों लगा है? इसे धक्के मार के बाहर निकालो, हमारा ट्रेन निकल जाएगा। ओके बॉस। ओके। के बारे में कुछ जानते हो?
अजी कुर्क तो रही दूर की बात, मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। आप कौन है, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कुछ भी तो नहीं जानता। मैं जो चाहता हूँ वो पाता नहीं, और जो पाता हूँ वो सिर्फ इत्तेफाक है। खैर कुछ अपने बारे में कहूँ। अजी हमारे चाहने पाने के दिन कहाँ, फिलहाल तो खाने पीने की फिक्र रहती है। लो हम ये भूल ही गए थे कि चाहने और पाने के अलावा इंसान को भूख भी लगती है। बहुत भूख लगी है ना। स्टेशन पर खाने का ऑर्डर नहीं दिया था? अरे ऑर्डर तो दिया था, लेकिन आज ट्रेन में बैरल्स की कमी है। लो खाने का जिक्र आते ही गाड़ी में हिलकी होने लगी। मालूम होता है कोई स्टेशन आ रहा है। बोलो क्या खाओगे, अभी खाना लिया? नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं खुद ले आता हूँ। हाँ भूख तो तुम्हें हमसे ज्यादा लगी होगी। लगी तो है, ले आते हैं। देखिए खाने के लिए एक बार भी कोई पूछने नहीं आया। मैडम आज इस ट्रेन में बैरे कम है। ओ, इसका मतलब आज भूखा ही रहना पड़ेगा। जी नहीं, मैं आपका खाना भिजवा देता हूँ। बोलिए आप क्या खाएंगे? कुछ भी। जी बहुत अच्छा, थैंक्स। गाड़ी गई, माफ किया। देखा ऊपर वालों से शिकायत करते ही चलती हुई गाड़ी में खाना ले आया। मैं को बैरा नहीं हूँ। बैरा नहीं तो बावर्ची होंगे। लेकिन ये आपका ऑर्डर नहीं है। अच्छा तो ये खाना तुम किसी और के लिए लाए हो? क्यों, मैं पैसेंजर नहीं हूँ क्या, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी? किसी ने सच कहा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नीचे उतरो। हा? नीचे उतरो। क्यों क्यों क्यों, आधा नहीं जानते? नया नया बैरा हो ना, इसलिए आधा आधा सब भूल गया। वैसे भी अगला स्टेशन आया और अपनी नौकरी खत्म। आती है लेकिन चली जाती है। होश में बात करो। वो भी गुल आपको देखते। एक तो खाना ठंडा लाए हो और से पागल जैसे बातें करते हो। अरे खाना ठंडा है तुम्हारी एक गोली, वैसे आपकी मिजाज बहुत गर्म। और खाना ठंडा मत करना ही। लेकिन आप काफी नमकीन माल बोल। बिल निकालो, बिल निकालो। यहाँ दिल की बात हो रही है और आप बिल की बात कर रहे हैं। बिल और बिल दोनों ही अपने पास रखो, यहाँ से दफा हो। ये पैसे अपने पास रखिए, आप भी क्या याद करेंगे किसी रईस से पाला पड़ा था। अरे जाओ। आधा वर्षा हजूर, फिलहाल चलता हूँ लेकिन फिर मिलूंगा। मैडम आपका क्या, आपका किस बदतमीज के हाथ में खाना भेज दिया? खाना खाना तो मैं आप लेकर के आ रहा हूँ। तो फिर वो कौन था जो खाना भी खिला गया और पैसे भी नहीं लिए? जरूर को दीवाना होगा जो मुफ्त में खाना खिला गया। चलो भाई। दीवाना? हाँ। दीवाना के बाद बिल, रे दिल के मामले में बिल भी मांग लिया। आज मैंने पहली बार आपको खुल के हंसते हुए देखा। हंसते हुए इंसान के साथ सारी दुनिया हंसती है, लेकिन जब वो रोता है तो अकेला। क्या देख रहे हैं? कुदरत और वक्त की रफ्तार, ये चकरा देने वाली तेजी और अपने आप को जो एक मुद्दत से जहां था वहीं खड़ा है। मैं आपको मतलब नहीं समझा। चार बरस से राजन, चार लंबे बरस से मुझे,
चार बरस से मुझे सुकून की तलाश है जो मुझे कहीं चैन नहीं लेने देती। तलाश जिंदगी का दूसरा नाम है। किसी को रोजी की तलाश है और किसी को चैन और सुकून की, लेकिन हर तलाश के लिए मंजिल का सामने होना जरूरी है। मुझे तो अपनी मंजिल मालूम नहीं। तलाश में लगन हो, दिल में जोश हो, तो मंजिल खुद खींची चली आती है। सिर्फ पहला कदम उठाने की देर होती है। अब कदम तोड़ चुका है, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा और राजबहादुर बनकर कुर्क में मेरी जायदाद संभालोगे। ये कहानी मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। लेकिन अगर मुझे किसी ने पहचान लिया तो? तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि मैं भी वहां पहली बार जा रहा हूं। इतला के मुताबिक जो भी वहां पहुंचेगा वक्त पर, उसे मालिक समझा जाएगा। सिर्फ राजबहादुर नाम और वहां मौजूद होना काफी है। इस पर मैं गौर कर चुका हूं। और ये रहो, खून खराबी भी करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए इसके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आप कहां जा रहे हैं? मैं भी कुछ जा रहा हूँ, लेकिन तेरे सीधे रास्ते पहुंचूंगा जरूर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाटक किस लिए खेला जा रहा है? मेरे लिए, तुम्हारे उस दोस्त के लिए। और वादा करो हम दोनों का ये फैसला सिर्फ हम तक आएगा। राज बाबू, हम भी दोस्तों के दोस्त हैं। दोस्ती के फर्ज से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। गाड़ी उठ रही है और मैं यहाँ उतर जाऊंगा, लेकिन हर मुश्किल में तुम मुझे अपने पास पाओगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। वाह राजन बाबू, नौकरी के चक्कर में मालिक बन बैठे। चलो भुगतेंगे जब तक दम में दम है। देखो तुम उस तरफ जाकर तलाश करो और तुम सामने के प्लेटफॉर्म का कोना कोना छान मारो, समझे? आखिर मैं पूछता हूँ वो पागल भाग कहाँ गए? क्या हुआ इंस्पेक्टर? पिछली गाड़ी में एक पागल पकड़ा गया था, अचानक ही वो कहीं गायब हो गया। पागल पिछली गाड़ी में? उसने सफेद कपड़े पहने थे? जी हाँ, आपने उसे देखा है? सिर्फ देखा ही नहीं, मुझे तो उस पागल के साथ दो स्टेशन तक सफर भी करना पड़ा। देखिए, आपको कहीं दिखाई दे तो हमें खबर कर दीजिएगा। बहुत अच्छा, शुक्रिया। चलो गोल है मेम साहब। हाँ जी, मैं बोले क्या हाजिर करूँ? बेजा फ्राई, बेजा मसाला, चिकन फ्राई, चिकन मसाला, कोकला आइसक्रीम। आप कहाँ गायब हो गए? अजी गायब तो आप हो गई थी। देखिए वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं। और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे ढूंढ रहे हैं। समझी, आप जरा अपना हजामत कर लीजिए, मैं अभी। आप कहाँ चली मेम साहब? अगर आप गायब हो गई तो मैं ढूंढते ढूंढते खुद पागल हो जाऊंगा। आप घबराइए मत, आपका पागलपन मैं दूर की देती हूँ। आप करीब रहिएगा, बाकी सब दूर हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, इंस्पेक्टर साहब सुनिए, आपका मेहमान जिसे आप तलाश कर रहे थे। लेकिन मैडम, ये वो नहीं है जिसकी हमें तलाश है। आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी तो आपको हो रही है, ये बिल्कुल पागल है, वरना ट्रेन में मुफ्त कबाब में बांटते फिरते। माफ कीजिएगा, मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता। यकीन जानिए, ये पागल नहीं है। तो आपके ख्याल में मैं पागल हूँ? और नहीं तो क्या? था तो नहीं मेम साहब, अब जरूर हो जाऊंगा। अटेंशन प्लीज, एक जरूरी सूचना सुनिए। लाइन की खराबी के कारण पूर्व जाने वाली गाड़ी 10 घंटे लेट छूटेगी। ओह, इतना लंबा इंतजार और आपका साथ, मजा आ जाएगा। इंतजार करे मेरी जूती, मैं तो टैक्सी में जाऊंगी। अरे अरे अरे, ख्याल बुरा नहीं, तब तो और मजा आएगा। ए मिस्टर, आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ। फरमाइए। आप मेरे साथ कहाँ जा रहे हैं? जहाँ आप ले जा रही हैं मैडम। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? जहन्नुम में। रास्ता मालूम है आपको? ओह माय फुट। ए ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ, गाड़ी क्यों रोक दी? इस मियां बीबी के झगड़े में गाड़ी कैसे चलाऊं? मियां बीबी, माय फुट। हम लोग मियां बीबी नहीं है। मियां बीबी नहीं है तो फिर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन चलती गाड़ी में प्रैक्टिस करना मना है। कौन कौन फरमा गया? हमें मालूम है। जो मालूम है वो करो, आप अपनी जगह पर जाइए। गाड़ी चलाओ। कैसे चलाऊं? आंखें सामने रखकर और स्टीयरिंग पर हाथ रखकर। कानों का क्या होगा मैम साहब? जनाब,
कानों में शेक घोलकर जरा डाल दीजिए, मेहरबानी हो। थैंक यू वेरी मच। ओह आइडिया बुरा नहीं है। ओह माय फुट। मैं पैदल ही चलता हूं। हां पैदल। सुनो मैं पैदल ही। ओह मैम साहब, ओह मैम साहब, ओह मैम साहब। गुस्सा गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा, और ऐसा जब इनकार है तो इकरार कैसा होगा, इकरार कैसा होगा। पलकें उठी हुई सी है, आंखें झुकी हुई सी है, पलकें उठी हुई सी है, आंखें झुकी हुई सी है, दिलकश रसील होठों पे बातें रुकी हुई सी है, खामोशी खामोशी ऐसी है तो इजहार कैसा होगा, इजहार कैसा होगा। अगर गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। घबराए भूलूं अगर तो शर्माए, देखूं अगर तो घबराए झूलूं अगर तो शर्माए, छेड़ूं जरा सा तो हाय मार शर्म के मर जाए, तोबा 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 ऐसा शर्मीला दिलदार कैसा कैसा होगा। अगर गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। गुस्सा इतना हसीन है तो हवा निकल गया। हवा निकल गई तो टायर बदलो। आप गाड़ी बदली कर लीजिए, हम बदली का काम नहीं करते। अरे वाह, इस जंगल में दूसरी गाड़ी हमें कहाँ से मिलेगी? हमें मालूम नहीं, चलो चलो हम तुम्हारी मदद करते। इसमें स्टेपनी भी नहीं है। तो इस खटारा गाड़ी में तुम क्यों लेके आए हमें? हम कहाँ लेके आए, हम तो खुद पुलिस के डर से स्टेशन के बाहर इस गाड़ी में छुपे हुए बैठे थे। आपने कहा टैक्सी ड्राइवर बन जाओ, हम टैक्सी ड्राइवर बन गए। आपने कहा गाड़ी चलाओ, हमने गाड़ी चला दी। अब ये गाड़ी रुक गई तो हम भी रुक गए। तुम आदमी यार पागल हो, तुमको कैसे पता चला कि मैं पागल हूँ? किसी से कहना नहीं है। ये तो वही पागल है। लेकिन हम यहाँ से किसी के हाथ आने वाले नहीं। 1 2 3 आप अकेले रहिए, मैं चली। सुना इस जंगल के जानवरों ने इंसान के गोश्त का मजा नहीं चखा। आप इस जंगल के वीआईपी हैं जो आपको छोड़ देंगे जानवर? ये उन्हें भी मालूम है कि लेडीज फर्स्ट, और फिर मिस्टर शेर औरत का नरम नरम गोश्त कितने मजे मजे से खाएगा। आपके पास रहने से शेर के पेट पे जाना ही अच्छा है, उस बेचारे का पेट तो भरेगा। आप पास में रहेंगे कम से कम इस बेचारे का दिल तो भरेगा। मैं तुम्हारा भी पेट भर सकती हूँ। कैसे कैसे? हाँ 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 हाँ, ये लो ये लो ये लो रुपए, और मुझे जंगल पार करा दो। निम साहब, ये कागज के टुकड़े अपने पास ही रहने दीजिए, रात को आग जलाकर हाथ सेकिएगा। हाथ सेकिएगा? नहीं नहीं, साथ में चलिए, साथ में। बाय बाय निम साहब।
ओ मेम साहब। क्या है? बिस्तर तैयार है। हाँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों क्यों? यहाँ सोते मुझे डर लगता है। हाँ, पहली रात ऐसे होता। तुम क्या सोचते हो, मैं दूसरी रात भी इसी जंगल में गुजारूंगी? मैं जंगल की नहीं, रात की बात कर रहा हूँ। क्या मतलब? मैं मतलब से बात ही नहीं करता। लेकिन आप ये धीरे धीरे अपना बिस्तर मेरे बिस्तर की खरीद क्यों ला रहे हैं? बचपन से दूर से बात करने की आदत है। लेकिन मुझे न जाने आज किसका मुंह देखकर उठी थी। शायद आईना देखा होगा। कल मेरा मुंह देखकर उठिएगा, जिंदगी सफल हो जाएगी। शट अप। गुड नाइट। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ, मगर कौन सी कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ, तुम्हारी कहानी, मेरी कहानी, प्रेम कहानी। ओ लड़की दीवानी, सुनो एक कहानी। जवां है नजारे, हंसी है सितारे, हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं खो न जाना के तुम सो न जाना, ओ लड़की दीवानी, सुनो एक कहानी। जवां है नजारे, हंसी है सितारे, कहीं खो न जाना के तुम सो न जाना, के तुम सो न जाना के। हाँ हाँ, और सुनो। हाँ, एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, सुनो बात आगे, सुनो तो, अरे सुनो तो। हाँ, गगन से वो उतरी, चमन से वो गुजरी, सुनी उसने बंसी, उड़ा मन का पंछी, सुनी उसने बंसी, उड़ा मन का पंछी, लड़े कैसे नैना, गया कैसे चैना, हुआ जो न जाना के तुम सो न जाना, के तुम सो न जाना के तुम। अरे अरे अरे, ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं। कोई है? अरे हाँ, जाग गई,
जाग गए तुम? हैं? जाग गए? और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ, मिला एक राजन, बाबा बाबा बना उसका साजन। हा, 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 मिला एक राजन, बना उसका साजन, लिया दिल निशानी, बनी उसकी रानी। वो जादू नगर था, छू 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 जहाँ उनका घर था। हा हा हा, उधर खोन जाना के तुम सो न जाना, के तुम सो न जाना, के तुम सो न जाना। हा थैंक यू। सुनिए जी, आपकी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी की। आप जी नहीं, मेहरबानी तो आपकी होगी। अब तो अपना नाम बता दीजिए जी। मुझे ललिता कहते हैं, और आपको? जी मुझे साजन, मेरा मतलब राजन कहते हैं। चले कहाँ? जंगल पार नहीं करना? हाँ हाँ, कही तो ये रह जाते जी। बिल्कुल नहीं। अच्छा चले चले। क्या खबर लाए? हमने शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन राज बहादुर का कहीं पता ना चला। तलाश जारी रखो जी। तुम में से जो कोई भी उसके मरने की खबर लाएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा जी। हाँ। पंछी वाला नाम मेरा परदेसी, भांत भांत के लक्ष्मी। छुपाई रखी माँ, मेरी एक बहन भी है और मुझे आज तक पता नहीं अब वो कहाँ है। माँ, मुझे अपनी दीदी से एक बार भी नहीं मिलाया। ऐसा क्यों किया माँ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? क्या करती बेटा, कैसे बताती? जिस माँ ने गरीबी के हाथों लाचार होकर अपनी बच्ची दूसरे के हवाले कर दी, वो किस मुंह से कहती कि तेरी एक बहन भी है? अब वो कहाँ है माँ? बेटी, सुना है अपने पति के मरने की खबर सुनकर उसने आत्महत्या कर ली।
हाँ बेटी, मगर उसकी आखिरी निशानी मुन्ना हमारे पास है। रानी भाई, रानी भाई, देखो मैं क्या लाया। हाँ मुन्ना, ये पिंजरा तुम्हें कहाँ से मिला? ये मेरा है, परदेसी ने दिया। परदेसी कौन है बेटा? वो मेरा दोस्त है। अच्छा, अब ये तो बताओ मैं कौन हूँ? तुम मेरी माँ हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बैठिए हमारे। दोस्तों, मैं सच कहूंगा तो आप झूठ बोलेंगे। आज बड़े मालिक की जन्म वर्षी पर छोटे मालिक यहां मौजूद हैं और आप भी यहां पधारे हैं। अब मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि स्वर्गवासी बड़े मालिक की तस्वीर को फूलों की माला पहनाएं। मालिक चलिए माला पहनाइए। माला? जी हाँ, फूलों की माला। फूलों की माला जी हाँ पहनानी। जी हाँ। रुक क्यों गए सर? मैं सच कहूंगा तो आप झूठ बोलेंगे और मैं सच कहूंगा तो तुम झूठ समझोगे। तो अनुबल जी, तुम्हें माला पहना दो। जी मैं माला पहनाओ। जी 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 जी, ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? नहीं नहीं नहीं, माला आप ही पहनाइए। ये लीजिए, ये लीजिए। बोलो, कोई तो बोलो। आज आप लोगों से मेरा पहला परिचय है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। आज बहुत ही खुशी का दिन है। मालिक, इस अजीब आदमी को देखकर हैरान ना होइए। मालिक है कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? वैसे मालिक, आपकी जनता में से ही एक हूँ मालिक, और जनता तो उस दिन प्रसन्न होगी मालिक जब बड़े मालिक की तस्वीर को माला पहनाने का अधिकार जनता को दिया जाएगा मालिक, हमको दिया जाएगा मालिक। सर, ये सरासर बगावत है सर। इसका फैसला हम करेंगे। यस सर। मालिक, जनता की आपसे ये पहली मांग है और अगर ये आज पूरी न की गई तो हम समझेंगे कि आइंदा भी हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। सर सर, इनकी बात मत सुनिए सर, जनता के चक्कर में अनेकों राज उलट गए सर। मालिक, बात इनकी मत सुनिए मालिक, चक्कर जनता का कोई नहीं, चक्कर खुद इनका अपना है मालिक। और कौन नहीं जानता कि जनता का राज ही सबसे ऊंचा और सच्चा राज है मालिक। देखिए सर, नीचे खड़े होके ऊंची बात करता है सर। मैं सच कहूंगा तो आप झूठ। तोंडुमल, हमें तो जिंदगी ने यही सिखाया है कि इस दुनिया में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बुजुर्गवार वही होगा जो जनता चाहती है। धन्यवाद मालिक, आज जनता के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आइए। नहीं मालिक, अगर मालिक ने जनता का मान किया है तो हमें भी चाहिए कि हम मालिक का मान करें। चलिए मालिक, आप पहनाएंगे माला। नहीं मेरे दोस्त, आज इस खुशी के मौके पर मैं इस हवेली की हर पुरानी रवायत को बदल देना चाहता हूं। ये कुर्सी मुझे आपने दी है, जनता ने दी है, और आज जो कुछ भी मैं हूँ जनता के बदौलत हूँ, इसलिए ये माला पहनाने का हक भी जनता को मिला है। छोटे मालिक की हो जाए, बोलो जय। जनता की जय। जय मालिक। आओ मालिक, आओ। छोटे मालिक के जय। छोटे मालिक के जय। जनता के जय। जनता के जय। Yeah.
ये क्या कर रहे हैं? जो आप कर रहे हैं सर। मैं तो टहल रहा हूँ। मैं भी तो टहल रहा हूँ सर। क्यों? सर मैं सच कहूंगा तो आप झूठ बोलेंगे। आप हैं खानदानी मालिक और हम हैं खानदानी मुनीम। आप कहेंगे हाँ तो मैं कहूंगा ये सर, आप कहेंगे ना तो मैं कहूंगा ये सर। अगर मैं चुप रहूंगा तो मैं कहूंगा ये सर। इडियट। धुंधुमल। यस सर। या यस सर। ये क्या? मैं कहूंगा सच तो आप बोलेंगे झूठ। हिसाब सर। हिसाब? ये तो बिल्कुल साफ है सर। वो बड़े मालिक ने कहा था हिसाब साफ रखने के लिए, इसलिए सफेद स्याही से लिखा। अच्छा जी, सफेद स्याही से लिखा जी। तो धुमल। यस सर। एक बात साफ साफ बताओ। बिल्कुल साफ साफ बोलूंगा सर। और क्या क्या साफ किया है? यस नो नो सर, नो सर, यस सर, नो सर। चुपके से कहते हैं प्यार हो गया है तुमसे, फिर घंटों इंतजार करवाते हैं हर सवाल का जवाब चुपके से, आना चुपके से, जाना चुपके से। ए, अरे चुपके से दिल दे दे, नहीं ते नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा। हाँ शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम, तीना सोच तू बच जाएगा। शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम, तीना सोच तू बच जाएगा। शोर मच जाएगा। ओए होए होए अकेले में मिलते हैं चांद चकोरी, वो छुप छुप के मिल जाना कहाँ सपनों में आके ओ गोरी। देखो दिल पर जानी बोल, प्रीत तेरी दीवानी। वो तो है छोड़ ये प्रेम कहानी, नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल दे दे, नहीं ते शोर मच जाएगा। हाँ शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम, तीना सोच तू बच जाएगा। शोर मच जाएगा। ले 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 ला 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 ला। इकरार नहीं करना है, मान ले मेरा कहना, बाद में फिर ना कहना। देख मिला ले नैना, नहीं ते शोर मच जाएगा। चुपके से दिल तैते, नहीं ते शोर मच जाएगा। हाँ शोर मच जाएगा। ओए मैं हो गई बदनाम, तीना सोच तू बच जाएगा। शोर मच जाएगा। होए होए क्या हो गया? सड़क पे तो रस्सी बंधी हुई है। मर गए। अब मैं मामा के पास ग्रुप कैसे पहुंचूंगा? आइडिया, रस्सी वाले लस्सी पीने गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ। ए रस्सी वालों! अरे और रस्सी वालों, मुझे इधर से उधर निकालो। कहाँ मर गए हो? ओ, 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 ओ,
मुझे गुदगुदी मत करो। अबे उठ। सरदार ये तो कड़का है, जान से मार दो। नहीं, थैंक यू भाईजान। इसको बोरे में बांध के पानी में फेंक दो। बोल बे क्या करूं तेरा। डराओ मत भाईजान, डर के मारे मेरी बैटरी डाउन हो गई है। पता क्या है तेरे पास? क्या है? गाड़ी और नारी। राई गाड़ी और नारी का चक्कर अच्छा नहीं सरदार। तो फिर इस घन चक्कर का करूं क्या? आइडिया सुनिए, गुस्से का तेवर छोड़ो और इसके जेवर ले लो। नॉनसेंस, ये तो कॉमन सेंस है सरदार। उतार लो इसके जेवर। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। क्या करते हो? मैंने तुमसे इनके जेवर उतारने के लिए कहा है, इज्जत उतारने के लिए नहीं। बुलबुल दे दो जेवर। हरगिज नहीं, जान दे दूंगी पर जेवर नहीं दूंगी। अरे भाई साहब को मेरी जान चाहिए, तुम्हारी जान नहीं। क्यों भाई जान? जल्दी करो। क्या जल्दी करो? औरत के जेवर उतारना कोई आसान काम नहीं। तुमने कभी शादी की है? नहीं नहीं, तुमसे शादी कौन करेगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम अपनी बंदूक ऊपर करो, मैं इनके जेवर नीचे करता हूँ। चलो बुलबुल इधर आओ। बुलबुल अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो नकली जेवर दे दो। नकली? हाँ फौरन दे दो। चलो जल्दी करो। ए, जल्दी करो, देर क्या करता है। लीजिए सरदार, ये रहा मेरा तोहफा, अब तो आप खुश हैं? रस्सी खोल दो। थैंक यू। चलो बुलबुल, देखिए आपने नारी के जेवर तो ले लिए, अब जरा गाड़ी को धक्का मारो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी गाड़ी बिना धक्के के नहीं चलती। सुंदर जल्दी हाथ लगा। जल्दी लगाओ नहीं तो दूसरा ग्राहक हाथ से निकल जाएगा। अरे अब शाबाश। अरे ताकत लगाओ ना, जोर बनते हो, जोर नहीं है। लगाओ शाबाश। अरे लगाओ ना। हाँ हेलो, वेरी गुड, जल्दी करो शाबाश, जल्दी करो। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। मालूम होता है आप लोग दाल चूड़ा खाते हैं। जल्दी करो शाबाश, वेरी गुड। सर सर बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, एक पागल आपसे मिलने के लिए पागल है। क्या बकते हो? मैं नहीं बकता सर, वो पागल बकता। वो देखिए कहता है कि आपसे जमीन खरीदी है, उस पर कब्जा चाहिए। अगर जमीन खरीदी है तो कब्जा दे दो। आप नहीं समझे सर, वो बड़ा खतरनाक पागल है। तो पागल है तो फिर धक्के मार के बाहर निकाल। अरे वो तो आपको धक्के मार के बाहर निकालना चाहता है। हा? जी हाँ, कहता है कि जेल भिजवाएगा। नमस्ते जी, हम तो पागल हो गए। मारा फैसला कर दो, इब्बी कर दो, इसी वक्त कर दो। आप क्या चाहते हैं? जमीन पे कब्जा और क्या। सुन लिया ना सर, इसको जाने मत दीजिए, मैं अभी पागलखाने फोन करता हूँ। अरे तह जा पागलखाने फोन करेगा, तेरे से पहले हम पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। अरे पुलिस स्टेशन क्या करोगे, मैं फायर ब्रिगेड बुलाऊंगा। अरे तह फायर ब्रिगेड फोन करेगा तो मैं सीधा मिलिट्री बुलाता हूँ। क्या बकवास लगा रखी है। सेठ जी ये जमीन आपने किससे खरीदी थी? सेठ करोड़ी मर खोटा धंधा नहीं करता। ये देखो कागजात, ये देखिए दस्तखत। इस पर तो तोंदुमल और प्राण बहादुर के दस्तखत हैं। यहाँ आइए। यस सर। बैठो बैठो। यस सर। तोंदुमल। यस सर। मुझे आज पता चला है कि तुम्हारी ये तोंद इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। आज तक कितने ऐसे कागजात हैं जिस पर झूठी गवाही दी? याद नहीं सर। याद नहीं है? नहीं सर। अच्छा तो 10 दिन में याद करो। अच्छा कोशिश करूंगा सर। हाँ, अगर 10 दिन में याद नहीं किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। जेल? नहीं सर, जेल नहीं सर। मालिक मालिक इस गरीब को भी नौकरी दिलाइए मालिक। कौन है? मालिक वहाँ कौन करा फा रहा है? अरे आप यहाँ पे हैं? साष्टांग प्रणाम। जय हो जय हो। क्या कष्ट है? मैं तो आपका कष्ट दूर करने आया हूँ। वो आपका मोटू मैनेजर है ना तोंदुमल। हाँ। वो महाचार सुबी आदमी है। हाँ, आप उसको फौरन लात मार के निकाल दीजिए और मुझे गले से लगा दीजिए। बड़े आया है गले से लगने वाला। अबे तोंदुमल के सामने ही तोंदुमल की पोल खोलता। जा निकल यहाँ से। आप ही तोंदुमल है? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो मैं आपको ही मस्का लगाता। मस्का? मस्के से क्या होगा? आजकल की दुनिया में मस्के से क्या नहीं होता, ये दुनिया मस्के की है। कहिए मैं आपको मस्का कहाँ लगाऊं? वाह बेटा तू तो मेरा ही गुरु निकला है। तो करिए मेरी सेवा और मालिक के लिए नौकरी दिलाइए। नौकरी? हाँ
नौकरी तो नहीं मिलेगी। कमीशन दो तो माल मिल सकता है। कमीशन दे दूंगा तो फिर लंगड़ा लूला घूंगा बहरा त्राना अंधा कुछ भी बन जाओ, जैसा काम वैसा दाम। ओके, लंगड़े लूले का क्या रेट है? 50 और बहरे घूंगे का? 75, ताने का 100 और अंधे का 200। अच्छी बात है, तो फिर मैं अंधा बन जाता हूँ। लीजिए, मैं अंधा बन गया। बन गए तो ऐसी कला दिखलाओ, ऐसी कला दिखलाओ कि मेरे मालिक की आंखों में आंसू आ जाए। देखिए मेरी कला, मालिक अंधे के पेट में आग लगी है, कोई बुझाने वाला है? कोई देने वाला जो 100-200 रुपए देके मुझे एक रोटी खिला दे? मैं कुत्ते की तरह भूख करके सूरदास आप ही को देखने आया है, इसका भजन सुनकर भोजन का बंदोबस्त कर दीजिए। मालिक नन्हे मस्का लायो, मालिक लायो, मालिक मैंने माखन लायो। मालिक मुझे एक मोटी सी रकम दे दीजिए, ये अंधा बार बार आपके द्वार पे नहीं आ सकता। वादा करो रोज रोज नहीं आओगे। मैं वादा करता हूँ, मैं सिर्फ संडे के दिन आऊंगा। लेकिन आप मुझे पैसे कितने देंगे? 100 रुपए। 100 रुपए? लेकिन अंधे का रेट तो 200 है। अरे भीख मांग रहा, तनखा मांग रहा है। मैं चंदा मांग रहा हूँ। तो फिर ये ले, तू भी क्या याद करेगा, ये ले। मामा, चुप चुप, ये कैसे कर रहे? तू यहाँ कैसे आया? सुन मामा, कुछ दिनों के लिए भूल जा, समझ गया? पैसे हर महीने तेरे घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके ओके। ए तोंदुमाल, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो मेरे लिए एक मोटी सी डबल रोटी लाओ, मैं जरा मक्खन लगा के खाऊंगा। पहले मेरी कमीशन। कमीशन? हाँ देता हूँ। अच्छा। एक मिनट पकड़ना, जरा ठीक से पकड़ना। ये रहा कमीशन, ये रहा। बेईमान, अरे तुम एक काला टीका और लगा लो, वरना किसी की नजर लग जाएगी। तुम्हारे रहते मुझे किसी की नजर नहीं लग सकती। यानी कि मैं तुम्हारा काला टीका हूँ? काला टीका नहीं, काजल, जो सदा मेरी आंखों में रहता है। शुक्रिया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? फोटो। फोटो देखूं? देखो ना, देखो देखो, नहीं देखो देखो। ललिता, ये कौन है? माँ, माँ आओ ना। माँ ये वही हैं जिन्होंने जंगल में मेरी जान बचाई थी। राजन बाबू, आप मेरी माँ हैं। नमस्ते। दिया जले पराए घर की बहू बेटियों से मिलने आना भले आदमियों को शोभा नहीं देता। माँ, तुम्हारी बातचीत खत्म हो जाए तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं चलता। बैठो कि नहीं? बैठो, मैं अभी आई। ये तुम्हें क्या हो गया है? माँ, तू दूध पीती बच्ची नहीं जो मेरी बात को ना समझे। मेरे रहते इस घर में कोई बच्चा ले नहीं होगी। अभी जाकर उसे कह दे कि आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बोलो माँ, वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? खराय मेहमान का निरादर करना कोई अच्छी बात नहीं, और फिर मैंने उन्हें बुलाया है। माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ठीक ही किया। चल मुन्नू के घोड़े टक टक टक, चल पर देसी घोड़े टक टक टक। भाई आज तो तुम्हारा घोड़ा थक गया मुन्ने दोस्त, अब तुम्हें रोज घोड़ा करना पड़ेगा। आज घोड़े का किराया? Una pesa, un papo, un papo, un papo. क्या है? छुट्टी है। अच्छा तुम जाओ। किसकी चिट्ठी है? नए मालिक की, हवेली में बुलाया है। बुलाया है? वो क्यों?
हम तो ब्याज समेत उनकी रकम दे चुके हैं, वो ब्याज लौटा देना चाहते हैं। इस मेहरबानी का कारण? हमें किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए माँ। अगर ब्याज न दिया गया तो बाबा की आत्मा को दुख होगा। मैं अभी इस चिट्ठी का जवाब देकर आती हूँ। नमस्ते, मैं आपकी चिट्ठी का जवाब देने आई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, जिस छोटी सी रकम के लिए आपके पिता ने हमें दर दर का भिखारी बना दिया था, आज उसी का ब्याज लौटा कर आप हम पर दया दिखाना चाहते हैं? ये उदारता इस हवेली के मालिक को शोभा नहीं देती। मैं उनकी तरफ से माफ चाहता हूँ। माफी? मेरे पिता ने भी आपके पिता के पैर छूकर माफी मांगी थी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। ठीक है, माफ नहीं कर सकती, लेकिन सजा तो दे सकती। मेरे बस की बात होती तो जरूर देती, वही सजा जो एक दिन आपके पिता ने हमें दी थी। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। कसूर का इकरार मुंह छुपाकर नहीं किया जाता। तुम बोलो, क्या सजा देना चाहती हो? तुम यहाँ के नए मालिक हो। इस वक्त तुम्हारा अपराधी हूँ। हे भगवान, क्या मेरी जिंदगी सदा अधूरी रहेगी? राजन, अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं तुम्हारे साये से भी दूर रहती। लेकिन क्यों? मोहब्बत तुमने मुझसे की है, मेरी कुर्सी से नहीं। प्यार एक इंसान से किया जाता है, उसके परिवार से नहीं। लेकिन ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हारे पिता के कारण हम घर से बेघर हो गए थे और वही हमारी बर्बादी का कारण थे। कैसे भूल सकती हूँ? तुम ठीक कहती हो, ये रीत तो सदा दुनिया में चली आई है। कोई आबाद करता है, कोई बर्बाद, कोई बनाता है, कोई बिगाड़ता है। लेकिन ललिता, जो दुख और जुल्म इस हवेली ने तुम्हारी झोली में डाले हैं, उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। ललिता, चलो बाहर चले, चाहे इस हवेली की दीवारें हमें कभी अलग ना कर सकें। चलो। मैं तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही खो बैठी थी। मिलते भी कैसे? तुम्हारी माँ को हमारा मिलना जुलना जो पसंद है। जानती हो क्यों? वो मुझे विवाहित समझती है। विवाहित? हाँ राजन, अपनी बेबसी के कारण मेरे पिता मेरी शादी अजनबी के साथ करने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन फेरे पूरे होने से पहले ही वो अजनबी पुलिस के डर से मंडप छोड़कर भाग निकला और इस दुख ने मेरे पिता की जान ले ली। और वो दुख तुम्हारे तक सहती रही? सिर्फ दुख होता तो सह लेती, लेकिन ये दुख मेरे लिए कलंक बन चुका है जो शायद कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। इस मिट्टी की दुनिया में रहकर कीचड़ से कौन बच सकता है, लेकिन इस कलंक के झूठे दाग को मेरा प्यार हमेशा के लिए धो देगा। तुम्हें शादी को शादी मानती हो? मैं भी नहीं मानता। अब तुम जब भी मेरे पास आओगी, मैं तुम्हें अपना लूंगा। सच? सच राजन? सच के सामने सबको सर झुकाना पड़ता है बेटी, और ये सच है कि उस दिन हवन, मंत्र, फेरे, कन्यादान सभी कुछ हुआ था। कुछ नहीं हुआ था माँ, कुछ भी नहीं हुआ था। न पूरे मंत्र पढ़े गए थे, न पूरे फेरे लिए गए थे। आज भी उस हवन की अग्नि मेरी साक्षी है। वो शादी शादी नहीं थी, एक नाटक था, और वो भी अधूरा। अगर तेरे यही विचार हैं, तो तू मुझे काशी भेज दे, और जो तेरे जी में आए करना। माँ, जाने से पहले इतना बताती जाओ कि मैं कौन हूं, कुंवारी, विवाहित या विधवा? माँ,
दुख के दिन हमने साथ साथ काटे हैं, सुख में अब अलग हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है माँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन बेटी, तेरी कहानी सुनकर कौन तुझसे शादी करेगा? वो कहानी झूठी थी माँ, उसे सच का रूप देने की कोशिश मत करो। तू किसकी बात कर रही है? वो है कौन? माँ, माँ तुम उन्हें जानती हो, वो यहाँ आ भी चुके हैं, राजे। ओह, उसका परिचय? यहाँ के नए मालिक। ये तू क्या कह रही है? जिसके बाप ने तेरी माँ को विधवा कर दिया, तू क्या उसी से अपनी मांग में सिंदूर भरवाएगी? माँ, बाप के दोष की सजा बेटे को दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? और तुम अच्छी तरह जानती हो, निर्दोष है, सारा गांव उन्हें दयालु कहता है। उसकी दया मेरा सुहाग वापस नहीं ला सकती। लेकिन मुझे अभागन को सुहागन बना सकती है, सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। वो तुम्हें कभी नहीं दे सकती। आप और यहाँ? एक जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ माँ जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाना होगा। मगर क्यों माँ जी? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी शादी हो चुकी है। मगर वो शादी को शादी नहीं मानती। समाज तो मानता है। कल का समाज मानता होगा, आज का समाज नहीं मानता। जमाना बदल रहा है। जमाना बदल सकता है, धर्म कभी नहीं बदलता। दुनिया का कोई भी धर्म सच्चे प्यार को बुरा नहीं कहता। ये तुम नहीं, तुम्हारा खून बोल रहा है। एक दिन तुम्हारे पिता ने एक छोटी सी रकम के लिए मेरा सुहाग छीन लिया था, और आज तुम मेरी बेटी के पवित्र सिंदूर का अपमान कर रहे हो। ये झूठ है माँ जी, ये झूठ है। मुझ पर ये झूठा इल्जाम मत लगाइए। भगवान जानता है मैंने आज तक किसी का अपमान नहीं किया। एक भोली भाली लड़की ने तो अपने दिल की बात तुमसे कह दी, लेकिन तुम अपना राज छुपा गए। राज? क्या तुमने ललिता को बताया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? मेरी शादी हो चुकी? ये क्या कह रही हैं आप? क्या ये सच नहीं कि तुमने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, और ये शादी ही उनकी अचानक मौत का कारण थी? क्यों हो गए? आप क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, पवित्र है? माँ जी, आप मेरी खामोशी को गलत समझ रहे हैं। यानी ये सब झूठ है? तो फिर ये भी झूठ है कि तुम राम बहादुर के बेटे हो और मैं ललिता की माँ। माँ जी, आज जिंदगी ने बहुत बड़ा मजाक किया है मेरे साथ। आज मैं इस हवेली के पुरखों के पाप का प्रायश्चित करूंगा। आप ठीक कहते हैं, मैं आज तक आपकी बेटी को धोखा देता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपकी शांति के लिए मैं आपकी बेटी की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। राम सिंह, माँ जी को हमारी गाड़ी में घर छोड़ा। चली आई जुबान पे दर्द।
हरी दास था चली आई बाहर आने से पहले फिजा चली आई जुबान पे दर्द भरी दास था चली चाह में मैंने उठाए रंज बड़े खुशी की चाह में मैंने उठाए रंज बड़े मेरा नसीब के मेरे कदम जहाँ भी पड़े बदनसीबी मेरी भी वहाँ चली आई जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई रात है वीरान दिल की महफिल है उदास रात है वीरान दिल की महफिल है न हम सफर है कोई और न कोई मंजिल है दर्द भरी दास्तां चली आई बाहर आने से पहले फिजा चली आई जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ राजन पतंगा भी इसी तरह दिए की आग में चलने के लिए चला आता लेकिन लेकिन जो दिया बुझ चुका है उसके पास तुम क्या लेने आई ये तुम्हें क्या हो गया है ये तुम क्या कर रहे हो वही जो इस हवेली के मालिक को करना चाहिए अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ चली जाऊं क्या यही सुनने के लिए आज मैं सब कुछ त्याग कर तुम्हारे पास आई थी ठीक है अगर तुम एक शादीशुदा आदमी के घर में अकेली रात गुजारना चाहती हो तो तुम रह सकती हो शादीशुदा कौन तुम किसकी बात कर रहे हो इस हवेली के मालिक की सारा शहर जानता है कि वो शादी कर चुके हैं तुम्हारी माँ भी जानती है तुम नहीं जानती हो मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम इस वक्त तुम नशे में हो नशे में आदमी झूठ नहीं बोलता यानी कि तुम्हारे दिल में मेरे प्यार मेरी श्रद्धा की कोई कीमत नहीं उसकी कीमत अदा की जा सकती है बोलो क्या चाहती हो जी 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 राजन राजन तुम्हारे मुंह से ये शब्द अगर ये सच है तो तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया क्या हक था तुम्हें मेरी जिंदगी के साथ खेलने का आज तक तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा मुझे क्यों धोखा देते रहे क्यों 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 तुम्हारे क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं
मेरे पास है। कौन हो तुम? जीवानंद, तुम्हारा पति। यहाँ किस लिए आए हो? ऐसा नहीं कहते, पाप होगा। यहाँ आने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? समाज ने। शादी के बाद सुहागरात मनाने की रीत आज भी प्रचलित है। मैं कहती हूँ चलो यहाँ से। आहिस्ता, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आओ ना। शर्मती क्यों हो? आओ ना। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। छोड़ दो मुझे। मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। दुनिया जानती है तुम्हारा मेरा क्या अवस्था है। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरा हाथ। बाजी। क्या हुआ? बाजी कहीं का। तू? मैं ललिता से मिलने आया था। ये न जाने कहां से टपक पड़ा। पागल कुत्ते की तरह काटता है। ये देखिए। बाजी कहीं का, निकल जाए यहां से। ललिता कहां है? बताता हूं। फिर से नहीं बजे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें ये बता कौन हो? नहीं हटोगी? नहीं हटूंगी। तुम बार बार हमारी दुनिया उजाड़ कर नहीं जा सकते। आने दो पुलिस को। हट जाइए। कहाँ है वो? तुम लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हो? वो जेल से भागा हुआ कैदी है, कई खून कर चुका है। खून? जल्दी बताइए कहाँ है वो? कहाँ है वो? बरसों से मैं तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूं। ये तुमने क्या हाल बना रखा है? लेकिन मेरी लक्ष्मी तो सामने थी। मेरी लक्ष्मी तो सामने थी। क्या तुम लक्ष्मी नहीं हो? तुम किस लक्ष्मी की बात कर रहे हो? अपनी लक्ष्मी की, राजा बाबू की लक्ष्मी। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वही सूरत, सर से पांव तक लक्ष्मी। लक्ष्मी? लक्ष्मी मेरी एक बहन का नाम था। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? लक्ष्मी, तुम्हारी बहन? वो लक्ष्मी कहाँ है? उसकी एक रईस से शादी हुई थी। अचानक उनकी मौत के बाद अब तक उसका कोई पता न चला। अचानक मौत? उसका कोई बच्चा भी था? वो कहाँ? उसका तुम्हें कुछ पता है? वो हमारे साथ है। तुम्हारे साथ? लेकिन आप कौन है? मैं उस बच्चे का बाप हूँ। हाँ हाँ, मैं उसका बाप हूँ। खाली हो गया। मेरा मुन्ना घर छोड़कर चला। कहाँ चला गया? पिंजरा किसका है?
मेरे मुन्ने का, मेरे मुन्ने का है, हमारे मुन्ने का। ये पिंजरा वो कहाँ से लाया था? उसको एक परदेसी से प्यार हो गया था, ये उसी की निशानी है। परदेसी? मुन्ने, तू तो परदेसी के साथ खेलता रहा था, इतना करीब आकर फिर बिछड़ गया। नहीं नहीं, मेरा बेटा और मैं तुझे पहचान नहीं सका। मुन्ने, सरकार यही कहने आए हो ना कि राज बहादुर कुर्ग में है? नहीं सरकार, मैं वहीं से आ रहा हूँ। वहां तो कोई दूसरा राज बहादुर बना बैठा है। क्या सेठ, अब तुम ना घबराओ, तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, नहीं तो तुम्हारा 2 लाख रुपया, समझे? जाओ। इसमें भी जरूर कुछ राज की चाल है, लेकिन अगर साया वहां है तो जिस्म भी वहीं होगा। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ला, ला, ला। सर आप? नहीं तेरा बाप, आज मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। हर काम में गड़बड़ घोटाला। आपके जूतों की कसम सर, मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं किया। मेरा हिसाब साफ है सर, बिल्कुल साफ है। मैं यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मालिक के हुक्म से हो रहा है सर। कौन से मालिक के हुक्म से? वो चोर उचक्का दगाबाज तुम्हारा मालिक हो सकता है, मेरा नहीं। सर आहिस्ता बोलिए सर, नया मालिक सुन लेगा तो मेरी तोत फाड़ डालेगा। नए मालिक के बच्चे, इससे पहले मैं तेरी तोत ठिकाने लगा दूंगा। एक नकली आदमी इतने दिनों से यहाँ मालिक बना बैठा है और तुम्हें खबर तक ना हुई? ये आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक कह रहा हूँ मैं? यानी वो नकली मालिक बनकर मेरा असली रूप जान गया और मुझे पता तक नहीं? अभी उसे मजा चखाता हूँ। ठहरो, यही काम करने तो मैं यहाँ आया हूँ। कहाँ है वो मालिक? असली हो या नकली, ऊपर रहता है सर। ऊपर रहता है? अच्छा किया तुम खुद चले आए, इसीलिए बंदूक ताने खड़े थे। मेरे हाथ में फूलों की माला होगी, क्या ये उम्मीद थी? कम से कम बंदूक की उम्मीद नहीं थी। हेलो, ये भी भूल गए कि मौत पूछ कर नहीं आती। भाई के खून से हाथ रंगना चाहते हो? कौन किसके खून से हाथ रखना चाहता है ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। बंबई में वार खाली गया तो मेरे पीछे तुम यहाँ कुर्क चले आए, है या नहीं? किसी के सीने पर बंदूक की नाली रखकर उस पर इल्जाम लगाना कोई बहादुरी का काम नहीं है। घबराओ मत, हम तुम्हें मारकर अपनी बंदूक को बदनाम करना नहीं चाहते। हाँ, होशियार कर देना जरूर चाहते हैं कि अगर इसका मिजाज बिगड़ गया तो काबू से बाहर होकर कभी चल भी जाएगी। बहुत अच्छी, अगर मेरी नेकी का यही सिला है तो फिर मैं खामोश रहने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ? नेकी की तुमने और हमसे, वो कब? कब नहीं की ये पूछ। आज 16 साल से तुम्हारी जागीर की देखभाल करता आ रहा हूँ और आज भी यही सुनकर यहाँ आया हूँ कि तुम्हारे बजाय कोई दूसरा आदमी यहाँ मालिक बना बैठा। हाँ, इसने ख्याल का शुक्रिया। वैसे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हमारे हुक्म से हो रहा है और अब हमारी जागीर को तुम्हारी परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी इसीलिए कर रहा था कि मरहूम चाचा जी की आत्मा को शांति मिले, वरना मुझे भी खामखा परेशानी मोल लेने का कोई खास शौक नहीं। किसे क्या शौक है, ये सवाल जरा टेढ़ा है। ऐसे आराम से बैठने का क्या लेंगे आप, ताकि दिल से आपकी मेहमान नवाजी तो की जाए। हमारे यहाँ आराम हराम है, लेकिन ताज्जुब है कि जिसे आप दुश्मन समझते हैं उसकी मेहमान नवाजी। लो, ये भी भूल गए कि इस घर का मेहमान चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, उसकी मेहमान नवाजी में कभी कोई फर्क नहीं किया जाता। शुक्रिया, इस वक्त मुझे जाना है, कुछ जरूरी काम है। जिंदगी बाती तो सोबत होगी। जिंदगी बाकी रही तो यारों का पता हम भी निकाल ही लेंगे। ये लीजिए आपकी अमानत, जाने से पहले इसे लौटा देना चाहता हूं। जाने से पहले? कहां जाने से पहले? जहां किस्मत ले जाए। तुमने तो मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मेरा हाथ थामा था,
तुम्हारी दोस्ती ने चराग बनकर मेरी अंधेरी जिंदगी को रोशन कर रखा है। मैं तुम्हें जाने भी दूं तो कैसे जाने दूं? तुम नहीं जा सकते। दोस्ती के इस चिराग ने आपकी जिंदगी को रोशन कर रखा होगा, लेकिन मेरे लिए ये चिराग चिंगारी बन चुका है। जो जोश, जो उम्मीदें तुमने मुझे दिलाई थी, उनका क्या होगा? इतनी जल्दी घबरा गए? दोस्ती का फर्ज क्या कहेगा? यही ना कि एक दोस्त को आधे रास्ते में छोड़ दिया। राज बाबू, दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए ही मेरा यहां से चले जाना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, तुम्हारा यहां रहना ही बहुत जरूरी है। ये नकली जागीर, ये कुर का सफर, आपकी जिंदगी की पहेलियां बूझते बूझते मेरी अपनी जिंदगी एक पहेली बन के रह गई है। मैं अपनी बीवी और बच्चे की तलाश में यहां आया था, और इसीलिए ये नाटक रचा जा रहा है जो तुम्हारे बगैर पूरा नहीं होगा। नाटक और जिंदगी दो अलग चीजें हैं। आप नाटक रचा रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या होगा? मुझे तुम्हारी किसी लड़की से मोहब्बत का एहसास है, और बदकिस्मती से इस नाटक में तुम राजबाबू के रूप में हो। और ये राजबहादुर शादीशुदा है, और ये राजबहादुर कुवारा है, और ये कुवारा राजबहादुर एक मासूम लड़की की जिंदगी से खेलने पर मजबूर हो गया है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी किस्मत के चक्कर, ये चक्कर अगर इस राजबहादुर की वजह से चले हैं तो यकीन मानो ये राजबहादुर ही इनका हल तुम्हारी चाह के मुताबिक करेगा। मेरे दोस्त, हम भी दोस्तों के दोस्त हैं, जरा हमारी दोस्ती को भी तो आजमा के देखो। लाओ हाथ बढ़ाओ एक बार फिर दोस्ती का। अब असली मौका हाथ में आया है। तोंदुमल जी, राज बहादुर से पहले ये लड़का हमारे हाथ में होना चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जानते हो क्या होगा? जी हाँ, जानता हूँ सर, अच्छी तरह जानता हूँ। ये महाशय कौन है? सर, यही तो मालिक बना बैठा था, नकली मालिक बनकर मेरा असली रूप जान गया। लेकिन अभी इसने मेरा असली रूप नहीं जाना। इसी के हाथों अगर राज बहादुर का कत्ल न करवाया तो मेरा नाम भी प्राण बहादुर नहीं। सर, ये शुभ काम करने से पहले मेरी कमीशन दे दीजिए, मैं काशी जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। पहले पाप तो कर लो, फिर प्रायश्चित कर लेना। कमीशन चाहते हो तो बच्चे के साथ ही इस आदमी को भी पकड़वाने का इंतजाम करो, समझे? यस सर। राज बहादुर ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो। जिस दोष की बुनियाद भूल हो वो दोष दोष नहीं होता। माफी किस बात की? लेकिन ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दोस्ती के फर्ज से मजबूर था। और प्यार की कोई मजबूरी नहीं थी? ललिता, मेरी जिंदगी में जज्बात से फर्ज का दर्जा ऊंचा है। हाँ राजन, तुम ठीक कह रहे हो, भूल मेरी ही थी, मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मैं हार गई और तुम जीत गए। नहीं ललिता, मैं तुम्हें खो बैठा था, आज तुमने मुझे जीत लिया है। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? किसे ढूंढ रहा है? परदेसी को। परदेसी? कौन परदेसी? पंछी वाला, मेरा दोस्त। चलो तुम्हें साथ चलो।
मेरी जान ले, लेकिन उसको तो छोड़। इसका फैसला प्राण बहादुर ही करेंगे। प्राण बहादुर मुन्ना, जिंदगी में पहली बार अच्छी खबर लाए। कहां रखा है उन्हें? अलग अलग सर, एक हाथ से जाए तो दूसरा काम आए। राजेन को रखा है खंडर में और मुन्ने को किश्ती में। बहुत अच्छे, ये हुई ना कोई चाल, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सर थोड़ा सा गंगा जल। आप भी ये शौक करते हैं? अपने पैसे से मैं कोई पाप नहीं करता, पराया माल हो तो सब चलता है। सर ये भी अपने माल से नहीं? सर सच कहूंगा तो आप झूठ बोलेंगे। मजा आ गया सर। तू भी आ जा के आ गई रुत मस्तानी ओ ढोल सजना। मैं खुद जिसे दरिया की नजर कर चुका हूं वो यहां कैसे आ सकती है? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। मुमकिन है, मुमकिन हो सर। मैं मुमकिन को नामुमकिन करके दिखाऊंगा। फौरन राज तक खबर पहुंचा दो कि उसके अकलौते बेटे मुन्ने और उसके जिगरी दोस्त राजन की जान मेरी मुट्ठी में है। अगर वो चाहे तो मेरे पास आकर उनकी जिंदगी का सौदा कर ले, समझे? रोग जुदाई का क्यों जी को लगाया, रोग जुदाई का क्यों जी को लगाया, आने का वादा किया काहे ना आया। ओ छाई बनके, ओ छाई बनके बदरिया, प्रीत पुरानी ओ ढोल सजना। लक्ष्मी ही समझा और घबरा कर जो हरकतें की हैं वो सिर्फ गुनहगारी कर सकता है। तुम आओ मेरे साथ। मालिक, मालिक, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। मालिक, राजेन बाबू और मुन्ना की जान खतरे में है, प्राण बाबू ने उन्हें कैद कर लिया। कहाँ? खंडर में मालिक। खंडर? हाय राम, अब क्या होगा? घबराओ नहीं ललिता, मेरे होते हुए राजन और मुन्ना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम घर जाओ, मैं किसी कीमत पर उन्हें लेकर वापस आता हूँ। धोखेबाजी के पुराने खेल में तुम एक नए खिलाड़ी। तुम और राज बहादुर दोनों मिलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते, लेकिन मेरा एक ही बार तुम दोनों को खत्म कर देगा। प्राण बाबू, तुम मुझे यहाँ कैद करके अपनी मौत को दावत दे रहे हो। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश पर गाँव वाले थूकेंगे। और जरा अपने दोस्त राज बंदर को यहाँ आ जाने दो, फिर देखते हैं कौन किसकी लाश पर थूकता है। राज बहादुर यहाँ नहीं आएगा। अगर उसे अपने बेटे और अपने दोस्त की जाने प्यारी तो वो यहाँ जरूर आएगा। बाल खींचो तो खाल खुद खींच कर चली आती है। लो खाल आ गई। राज बहादुर यहाँ मत आना, वापस कर, वापस लौट जाओ। राज बहादुर यहाँ मत आओ, वापस लौट जाओ। तलाशी लो। माफ करना दोस्त, तुम्हारा स्वागत फूलों से नहीं कर सका, लेकिन वायदा रहा तुम्हारी लाश को फूलों से जरूर सजाऊंगा। तुम मेरी लाश को फूलों से सजाओगे या मैं तुम्हारी लाश को, इसका फैसला तो हम दोनों कर सकते हैं।
लेकिन बुजदिल मेरे बेसहारा दोस्त और मासूम बच्चे से क्यों बदला ले रहे हो? बदला? वरना तुम यहाँ कैसे आते? अब तुम्हें मारूंगा मैं और इसका इल्जाम तुम्हारे इस दोस्त के सर होगा। पर इतना कौन करेगा? सारी दुनिया करेगी। कल तक तुम्हारा दोस्त यहाँ नकली मालिक बना बैठा हुआ था और आज उसने अपने फायदे के लिए असली मालिक का खून कर दिया। इसकी गवाही मैं ही नहीं सारा गांव देगा। कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जो मुन्ना के रहते किसी और को फायदा मिले उसको भी खत्म कर दिया जाएगा और उसकी मौत का इल्जाम भी तुम्हारे सर होगा। कहो दोस्त, ये गोली तुम्हारे सकते हुए सीने के पार करूं या इस खाली भेजे में? अब भेजा तो तुम्हारा खाली है, अपने पिस्तौल से मारोगे। क्या मतलब? मेरी मौत अगर तुम्हारे पिस्तौल की गोली से हुई तो कानून तुम पर शक करेगा। मेरे पिस्तौल से काम लो तो शायद बच भी जाओ। ये तुम दूसरी भूल कर रहे हो, मेरे पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान ये भी तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटका सकते हैं। मेरी मौत का इल्जाम तुम मेरे दोस्त पर लगाना चाहते हो, उसे ही पिस्तौल चलाने दो। क्या? मैं गोली तुझ पर? नहीं राजबाबू, मैं तुम पर गोली नहीं चला सकता। मैं तुम पर गोली नहीं चलाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा लेकिन जीते जी तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूं दोस्त, दोस्त दोस्त की जान नहीं ले सकता, लेकिन इस वक्त और कोई चारा नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो राजबाबू? बकवास बंद करो। वो पिस्तौल लो और गोली चलाओ वरना मेरी गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। मुझे मार सकते हो लेकिन एक दोस्त का कत्ल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। हाथ बढ़ाओ दोस्त, मुसीबत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है और फिर तुम तो दोस्तों के दोस्त हो। देर ना करो, मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, उससे पहले ये काम खत्म होना चाहिए। 1, 2, 3, 4। राजन, राम बहादुर, तुमने मेरी जान तो ले ली लेकिन मेरी रूह तुम्हें कभी चैन नहीं लेने देगी। वो देखो,
मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। दोस्ती का फर्ज पूरा हुआ, हम चले। अब कहाँ जाओगे?
अब तो हमारे होने वाले हमजुल्फ भी हो, अब तो बैंड बाजे के साथ रुखसत किए जाओगे। अच्छा, अगर आप कहते हैं तो ये भी मान लें। चुपके से दिल दे दे नहीं ते शोर मच जाएगा। शोर मच जाएगा।